नमस्कार, आप देख रहे हैं सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं संजय चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ के गांव बरभाठा की एक बुजुर्ग महिला पर गांव के ही कुछ लोगों और सरपंच ने टोनी होने का आरोप लगाते हुए महिला को कुल्हाड़ी और लाठियों से दड़ा दड़ा कर मारा, जिससे वृद्ध महिला को काफी गंभीर चोटें भी आई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सारंगढ़ थाने में की है। दरअसल घटना सुबह 10 बजे आसपास की है, जब बरभाठा की नोनीबाई अपने घर पर अपने रोजमर्रा की कार्य कर रही थी। तभी अचानक गांव के सरपंच मुन्ना और उसके साथियों ने नोनीबाई और उसके पोते को टांगी और लाठियों से टोनी जैसे आरोप लगाते हुए गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। मार की डर से पीड़िता नोनीबाई का पोता वहां से जैसे तैसे भाग निकला और पूरी घटना की जानकारी सारंगढ़ पुलिस को दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी गोपाल ध्रुवे ने तत्काल पुलिस बल बरभाठा रवाना किया और पीड़िता को सारंगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पीड़िता नोनीबाई और उसके पोते का प्राथमिक उपचार करवाया गया। वहीं पीड़िता नोनीबाई ने बताया कि सरपंच मुन्ना और गांव के लोगों ने उस पर टोनी होने का आरोप लगाया और टांगी और लाठियों से मारने की बात कही है। वहीं पुलिस की माने तो मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जबकि पीड़िता टोनी का आरोप लगाकर मारने की बात कह रही है। भले ही पुलिस आपसी रंजिश बता रही है और पीड़िता टोनी होने के आरोप लगाकर मारपीट करने की बात कह रही है, लिहाजा देखना यह होगा कि क्या पीड़िता सही है या पुलिस का अंदेशा। जी सर, बरभाठा का बताइए। अब बरभाठा की एक महिला नोनीबाई निराला थाने वाई थी, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि पड़ोस की एक महिला है फातिमा एवं उसके और परिवार वाले इसके साथ पुरानी रंजिश की बात को लेके मारपीट की है कि रिपोर्ट उसकी सूचना पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है और मेडिकल कराने के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। चूँकि अभी उसमें मुलाहजा रिपोर्ट नहीं मिला है, मुलाहजा रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्रवाई उस पर की जाती है। कैमरामैन प्रवीण थॉमस के साथ गोविंद बरेट की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। और सारंगढ़ के ग्राम सिंघनपुर के ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हितग्राहियों से पैसों की मांग और जीवित हितग्राहियों को मृत बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका नाम कटवाने की शिकायत को लेकर सारंगढ़ जनपद सीओ के पास पहुंचे। वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों को पक्के मकान देने प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन इस योजना पे सरपंच मलाई छान रहे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत सिंघनपुर के सरपंच के खिलाफ आज ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए सारंगढ़ जनपद पंचायत पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसों की मांग और जीवित व्यक्तियों को मृत बताकर उनका नाम कटवा दिया है। साथ ही पात्र हितग्राहियों को अपात्र बताकर अपात्र के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति करा देने की शिकायत जनपद सीओ से की, जिसमें सीओ ऋषिकेश तिवारी ने 10 दिवस के भीतर जांच के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। कुसुम कहाँ के आप मन? सिंघनपुर। अच्छा, यहाँ कैसे आ रहा है जनपद? वही सर है इंदिरा है आवास वाला घर, तो पैसा मतलब मैं निकाले रहे हैं तो 5,000 दे के, इस तो 5,000 दे हाँ, 5,000 के बाद दिहा कहीं मतलब देवा के इस तभी यही देवा निकलन देव दिहा के बना के बाद हाँ, तो फिर होल्डर लगवा दे हम खाता ला। पैसा नहीं दिया था? हाँ पैसा नहीं। पैसा का नाम से मांगी से?
वो हम मतलब इसने निकाले हाँ घूस मांगी से मतलब इसने देवा ना कहीं से मैं निकाला तो वहाँ कहीं से दलवा 5,000 ले लेवा कहें वो 5,000 बाद में हाँ बने के बाद देखो किस तरह निकला देवा कहें तो खाता हम जमा कर देवा किस तरह होल्ड लगवा दे कैसे आ रहा है यहाँ जनपद हम उनका नाम मघाग निकले रही से ना तेला सरपंच और सचिव काट देखे क्या नाम है भैया आपका राम कुमार वर्मा कहाँ से हैं आप सिंघनपुर अच्छा कैसे आए हैं यहाँ जनपद आप मेरा ये इंद्रावास काट दिए कौन काट दिया है सरपंच और सचिव क्यों काटे हैं क्या बोल मेरे पास आए थे 10,000 दो बोल करके सरपंच और सचिव तो मैं नहीं दिया तो पिताजी का नौकरी बोल करके मेरा वास काट दिया क्या नाम है आपके सरपंच का दहारी नहीं आता अच्छा इसका आपने शिकायत किया है क्या यहाँ के अधिकारी से आज आया हूँ आज पता चला तो लिस्ट को देखूँ तो अभी आप लोग शिकायत किए हैं इस संबंध में जानकारी दिए हैं अधिकारी को क्या कहना है उनका 10 दिन का समय मांगा जांच करके बताएंगे कैमरामैन प्रवीण थॉमस के साथ गोविंद बरेट की रिपोर्ट सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़